हेलो एवरी वन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे डीपेस्ट फीलिंग्स और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 times ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज और मैसेजेस आप तक पहुंच सकें इस रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। डीपेस्ट फीलिंग्स, आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है अभी इस वक्त, आपको लेकर आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या इमेजिन कर रहे हैं। ओके, 4-4 क्या रोमांटिक वाइब्स में है या हैवी एनर्जी है इस वक्त? हैवी एनर्जी है बिकॉज वी हैव गॉट 10 of spells। ओवरथिंकिंग किस विषय पे? न्यू बिगनिंग से रिलेटेड एंड एक्शन से रिलेटेड। ये अब और वेट नहीं करना चाहते, ये आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो ओवरथिंकिंग का विषय यहाँ पर, काफ़ी लोगों के पार्टनर तो एक्शन से रिलेटेड, आप दोनों में जो डिस्टेंस आ गया है उससे रिलेटेड, और आपके साथ बिताए गए हर उन पल को याद कर रहे हैं, अगर स्पेशली सेपरेशन में है तो। पॉजेसिव क्यों हो रहे हैं, क्या इन्हें डाउट है आपके ऊपर, क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हैं? थर्ड पार्टी एनर्जी आ गई, इन्हें ऐसा लगता है कि या तो इनकी फैमिली के कारण या आपकी फैमिली के कारण ये आपसे दूर हो रहे हैं, इसलिए पॉजेसिव हैं बहुत ज़्यादा। मून की एनर्जी है और मून के साथ यहाँ ग्रीन मदर, मतलब ज़्यादातर लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी यहाँ फैमिली हो सकती है, कोई वुमेन हो सकती है, महिला हो सकती है। ईगो में क्यों नज़र आ रहे हैं, डीपेस्ट फीलिंग्स में ईगो क्यों आया है? ईगो है या अथॉरिटी? प्यार है लेकिन पहले आप के चक्कर में बात नहीं हो रही, तो प्यार में ईगो तो होना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ प्यार में भी ईगो है। प्यार बहुत करते हैं आपसे लेकिन दिखा नहीं रहे, ये इनकी फीलिंग्स में निकल कर आ रहा है। मैसेज करना चाहते हैं बट पहले वही करें, ऐसी वाइब्स हैं। मैं क्यों करूं, क्या उसे याद नहीं आती? 6 of challenges को भी क्लैरिफाई कर दें, कैसे चैलेंजेस? ओ माय गॉड, देखिए 6 of challenge को मैंने क्लैरिफाई किया है, और 6 of challenge को क्लैरिफाई किसने किया है? 10 of challenges एंड 3 of challenges, मतलब चैलेंजिंग सिचुएशन को वर्स्ट सिचुएशंस ने क्लैरिफाई किया, तीनों में सर पकड़े हुए हैं। तो वाइब्स कुछ ऐसी है जैसे कुछ लोगों के पार्टनर ना आपसे दूरी बना चुके हैं, आपको रिजेक्ट कर दिया है या आपसे मूव ऑन करने का डिसीजन लिया है और अब पछता रहे हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है कि मैं तो इसको अपनी लाइफ से निकाल ही नहीं सकता, मैं तो इसके बारे में ही सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ। तो अब वापस आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं, एक नई शुरुआत फिर से आपके साथ करना चाहते हैं, और इनसे अब सब्र नहीं हो रहा, इवन ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। कैसा बर्डन है इनके ऊपर, इन्होंने जो इनजस्टिस किया है आपके साथ वो इनको सता रहा है, साथ ही साथ इनको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे यहाँ पर जस्टिस करना होगा मैरिज के फॉर्म में,
अगर मुझे न्याय करना है तो मुझे शादी करनी चाहिए या मुझे यूनियन में आना चाहिए या अपनी शादी बचानी चाहिए अगर आप दोनों मैरिड हैं तो। ओवर एंड ऑल एनर्जी इंटेंस है लेकिन आपके फेवर में है। आपके बारे में जो भी इनके सबकॉन्शियस में चल रहा है वो बहुत पॉजिटिव वे में चल रहा है। ये नाराज़ ज़रूर है या दूरी ज़रूर है आप दोनों के बीच में, लेकिन इस दूरी को कम करने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये इंटरेस्टेड नहीं है। सो ये वाइब्स हैं, डीपेस्ट फीलिंग्स राइट नाउ। इमीडिएटली क्या एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके पर्सन की तरफ से? इमीडिएटली मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या मैसेजेस या कॉल्स आने की वाइब्स हैं? बिल्कुल हैं। सेलिब्रेशन आ गया विद द डेविल कार्ड। मोस्ट प्रॉब्ली 3 घंटे के अंदर, 30 घंटे के अंदर या मैक्सिमम 3 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों के यूनियंस होंगे। सिक्स सिक्स हारमोनी क्रिएट होगी, पॉजिटिव मूवमेंट नज़र आ रहा है और एक नई शुरुआत की वाइब्स है। बहुत ही रोमांटिक न्यू बिगनिंग है। कई लोगों को तो कमिटमेंट भी मिलेगी। डेविल क्या पॉजिटिव है आपको लेकर? पेशेंस रखिए, डेविल को टेम्परेंस ने क्लैरिफाई कर दिया। सब्र रखिए, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं आपको लेकर। इस टाइम पे 24/7 आपके बारे में ही सोच रहे हैं। मेमोरीज ऑफ लव यहाँ से भी आया है। सो वी हैव 144, वी हैव 666, और बताएं। पैशन इग्नाइट को क्लैरिफाई कर दें। इन्होंने आपको सैक्रिफाइस किया है और अब ये वापस आना चाहते हैं। इन्होंने बहुत तड़पाया है आपको, लेकिन अब ये वापस आकर जस्टिस इस रिलेशनशिप में करना चाह रहे हैं। सक्सेस को क्लैरिफाई करें। आपको जिस कारण से इन्होंने छोड़ा है, इमोशनली जिस कारण से ये आपसे दूर गए थे, उस कारण से अब मूव ऑन करने की वाइब्स है। तो आप में से काफ़ी लोग जो चाहते थे कि थर्ड पार्टी रिलीज हो जाए या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से बाहर निकल जाए, वो होने वाला है। फोर ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करें। काफ़ी लोगों के पार्टनर आपको ये बता सकते हैं इमीडिएट एक्शन में कि ये अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं, माँ बाप की मर्ज़ी से इनकी शादी हुई है, तो इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं चल रहा, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब्ड है। अगर ये सिंगल हैं तो ये आपको ये भी बता सकते हैं कि इनकी फैमिली इनकी शादी करवाना चाहती है अरेंज्ड मैनर में, लेकिन ये खुश नहीं है, ये उनसे उनकी मर्ज़ी से शादी नहीं करना चाहते। इस तरह की कुछ सिचुएशंस आपके सामने आने वाली है। मजिशियन को क्लैरिफाई कर दें। ये चाहते हैं कि आपके साथ यूनियन हो। ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं तो ये पावरफुली उन ऑब्स्टिकल से लड़ने की शक्ति रखते हैं, तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि यूनियन में कोई भी प्रॉब्लम आए तो मैं इनका सपोर्ट करूं किसी भी तरीके से। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में जो कहते हैं ना एक निडर वाली वाइब्स है, इस समय डर नहीं रहे हैं, स्टैंड लेने की वाइब्स में हैं, अथॉरिटेटिव एनर्जीज हैं। सो एनर्जी इज़ इन योर फेवर। 3 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस। पहला मैसेज है जॉइनिंग हैंड्स। आप में से कई लोगों को ऐसा फीलिंग आता है कई बार कि मैं सही पर्सन के साथ हूँ या नहीं हूँ, क्या मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ या चल रही हूँ, या गलत रास्ते पर चल रहा हूँ या चल रही हूँ। तो यहाँ पर आपको आपकी इंट्यूशन ये गाइड करेगी कि आप राइट पाथ पर हैं या रॉन्ग पाथ पर हैं,
और जिस व्यक्ति को सोचकर आप ये देख रहे हैं उससे रिलेटेड भी कुछ गाइडेड मैसेजेस आपको रिसीव होंगे। अबंडेंस काफ़ी लोगों की लाइफ में आने वाली है, आप अट्रैक्ट करने वाले हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप लोगों को रिसीव होते हुए नज़र आ रही हैं। बहुत सारे लोगों को फ्रूटफुल रिजल्ट्स नियर फ्यूचर में रिसीव होंगे। एन एप्पल ऑफ अबंडेंस, मैंने कहा ना नियर फ्यूचर में आपको कोई बहुत ही प्यारी खबर रिसीव हो सकती है, आपके करियर से रिलेटेड, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होंगी। तो यहाँ पर लक आपका साथ देगा, डिवाइन की जो एनर्जीज़ हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। सो ये थी गाइज़ अभी इस वक्त आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स विद इमीडिएट एक्शन। वीडियो अच्छी लगी हो और आने वाले समय में आपसे रेजोनेट करे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए इस चैनल पे बहुत लोग पूछते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन या अबाउट फॉलो किया कीजिए, उसमें मेरा नंबर लिखा होता है। जहाँ पर एस्ट्रो विद एम सिंह लिखा है मेरी फ़ोटो के साथ, उसके बगल में ही नंबर लिखा होता है। ठीक है, सो टेक केयर, बाय बाय।